ऑल डन और ऋषभ कर रहा है पढ़ाई, और ये रही अनाया। अनाया भी ऋषभ पढ़ाई कर रही थी इधर, ये अपना तो। और अभी थोड़ी सी ठंडक है तो चलेगा अभी। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पढ़ लो। हाँ नहीं, और अभी मैं जा रही थोड़ा सा नीचे कुछ सामान लेने, लेके आती तब तक मैंने कहा पढ़ाई करो, सरप्राइज होगा बच्चों के लिए। वैसे मैं लाने वाली कुछ नहीं हूँ, ऐसे बोल दिया है मैंने तो इस चक्कर में लालच दिया है तो पढ़ाई कर रहे हो। और मेरा मोस्ट ऑफ सब डन है। अभी वो यहाँ बैठ के टेबल पे पढ़ रहा था, फिर मैंने थोड़ा एसी किया था तो अंदर जाके बैठा। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 12 बज गए, और मैं जाती हूँ नीचे। बर्तन वगैरह सब हो गया है, दूध भी गर्म करके, खाना तो सुबह हो गया था, खा भी लिया है सबने, दूध मैंने हो गया है मेरा गर्म। और अभी मैं जाती हूँ नीचे, चलो नीचे जाके आती हूँ। तो कर लिया है मैंने पार्लर का काम ख़त्म अपना, और अभी मैं जा रही हूँ घर। और हेयर कट भी ले लिया है, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे ही बस मन में किया तो थोड़े छोटे हो गए हेयर मेरे, लंबे हुए थे काफ़ी, अभी छोटे हो गए। घर जाके अच्छे से देखूँगी, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है। फाइनली जैसे मुझे हेयर कट चाहिए था वैसे ही हुआ है, पर बाल थोड़े से छोटे हो गए हैं, पर चलेगा। और ये मैंने अभी क्लिप्स लगाए थे, निकाल देती हूँ। आगे से भी थोड़े अभी सेट होने में टाइम लगेगा, आगे से भी काफ़ी अच्छा है इस तरीके से। हाँ यहाँ पे ये ऐसे, तो यहाँ पे मैं मेरी मेहंदी में डाल दूँगी ये दोनों पाउच पहले इसमें कट करके, और उसमें डालने के लिए ये डिब्बी में मैंने ग्लिसरीन करके रखा है। एक नींबू डाल देना है और 2 विटामिन ई के कैप्सूल, और साथ में ये एलोवेरा जेल। तो ये तीनों मिक्स करके मेहंदी में लगाऊंगी, एक तरीके से मास्क जो होता है वो भी हो जाएगा, और थोड़ा मतलब बाल भी अच्छे हो जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं लगाया। यहाँ पे मैं बड़े बॉल में दोनों मेहंदी के पैकेट इसमें डाल लूँगी, और एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन और विटामिन ई के कैप्सूल, और साथ में नींबू, ये नींबू कट करके ये भी इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने इसको धीरे से पानी डाल के धीरे धीरे घोला, और इसमें मतलब थोड़ी सी गांठ भी ना रहे, अच्छे से चम्मच से चलाया इसको और अच्छे से किया। और वैसे तो ग्लव्स पहन के लगाते हैं, बट मैंने तो डायरेक्टली ऐसे हाथ से लगाया था, तो क्योंकि हाथ में भी हो जाती है मेहंदी पर निकल जाती है, इतना ज़्यादा नहीं रहती है। तो ये देखिए अच्छे से फेंट लिया इसको। तो फाइनली मैंने अपनी मेहंदी का पेस्ट बना लिया है, और अब मैं लगाने जा रही हूँ अपने बालों में। और यहाँ पे मैं एक एक लेयर लेके पहले बाल की जड़ों में लगाऊंगी ऐसे, और उसके बाद फिर बाल में लगा के फिर वहीं पे छोटा सा जुड़ा ऐसे बना बना के पूरे राउंड करके इसमें लगा लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से लगाना है, पूरे सर पूरे बाल कवर करने हैं। और ट्रस्ट मी, ये मैं वॉइस ओवर हेयर वॉश करने के बाद कर रही हूँ, मेरे बाल भी ड्राई हो गए थे और इतने बाउंसी और इतने शाइनी हो गए थे ना कि मुझे मेरे ही बाल अच्छे लग रहे थे, कटिंग उसमें अच्छे से दिख रही थी, बहुत अच्छा लगा। मैंने मेहंदी अच्छे से लगा ली है, और बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, एकदम सुकून जैसा होता है ना, तो वैसा लग रहा है। और अभी मैं थोड़ा सा करूँगी, देखूँगी बच्चों को होमवर्क देके गई थी उन्होंने क्या किया है, तो उनकी भी थोड़ी सी क्लास ले रही थी। ये कैसे खुल गया है, इसमें भी अंदर से वो हो गया जैसे होल हो, और इस तरफ यहाँ पे हैं 1-2 सफ़ेद बाल। और काली मेहंदी मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ, कोई भी कलर या कुछ भी लगाओ ना बोलते हैं कि नहीं होगा, पर अगर एक बार आपने लगा ली ना तो फिर वो एक एक होता है, दो होता है, धीरे धीरे करके पूरे बाल वाइट हो जाते हैं, बिकॉज़ वो केमिकल ही होता है। इसलिए मैं ये हिना ही लगाती हूँ, मस्त मतलब ठंडक भी देती है, और इतने पर इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, और आराम से बाल सफ़ेद होने का डर भी नहीं रहता है, तो मैं तो यही लगाती हूँ। मैंने अभी सर वॉश कर लिया है अपना, और 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गए थे, 1 बजे के आसपास मैंने लगाई थी, 1:30 बजे, और अभी बज रहे हैं 4:30, ज़्यादा टाइम हो गया, 4:30 ही हुआ है ना, हाँ 4:30 नहीं हो रही, 4:45 हो गए, तो काफ़ी ड्राई हो गया था ये। ये देखो हल्का सा कलर भी आ गया, पर वो चला जाएगा, रुकता नहीं है ज़्यादा। और अभी ये जस्ट धोए ही हैं मैं, गीले हैं, कितने छोटे हो गए, इतने थे आई थिंक, इतने हो गए, कोई बात नहीं बढ़ जाएंगे। मेहंदी लगा दी है, बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं यार, पता नहीं क्या होगा, गंजी ना हो जाऊँगी मुझे ऐसा लग रहा है। हे गाइस, तो अभी बजने जा रहे हैं 7:30, ज़्यादा ही हो गया है आई थिंक, 7:30 से 8 बजने जा रहे हैं, और मैं बना रही हूँ खाना, मतलब शाम के टाइम मैंने नाश्ता बनाया था, तो अभी इसमें रखी है मैंने कुकर में दाल बनने के लिए जो थोड़ी सी आवाज़ रही। और मैं क्या कर रही, दिखाती हूँ मैं आपको, और मैं गूंद रही हूँ थोड़ा सा आटा,
रोटी सेकने के लिए थोड़े से चावल बनाऊंगी। और अभी आ रहे हैं मेरे घर में गेस्ट, मतलब फ्रेंड हैं, ऐसे ही मिलने आ रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा अगर एक्स्ट्रा बनाऊंगी क्योंकि खाने के टाइम ही आ रहे हैं। तो और अभी मेरा जितना अभी रूटीन था सब फिनिश हो गया। बच्चे दोनों छत पे खेल रहे हैं क्योंकि छत पे बहुत सुंदर हवा चल रही है, बहुत मतलब बहुत तेज। और मुझे ये थोड़ा इसमें काम फिनिश करके फिर मैं भी जाऊंगी। तो यहीं पे करती हूँ मैं मेरी वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।